राज्य मध्य प्रदेश में एक तरफ लोग कोरोना से जंग लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं अफ्राहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। राज्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान, जिन्होंने 15 मई तक राज्य में लॉकडाउन यानी जनता कर्फ्यू को शुरू कर दिया है, जिसके कारण हर चीज को वो बंद रखने के लिए राज्य की जनता से अपील कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। आप देखिए वीडियो कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री राज्य की जनता से संबोधन कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, देखिए वीडियो। मारने का, कंट्रोल करने का एकमात्र उपाय संक्रमण की चेन तोड़ दो। इसलिए आज मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं, 15 मई तक हम सब कुछ बंद करें, कड़ाई से जनता कर्फ्यू। आखिर अनंत काल तक हम बंद नहीं रख सकते, हमको जनजीवन सामान्य करना पड़ेगा। लेकिन 18% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट हो तो हम खोल भी नहीं सकते। मैं चाहता हूं आने वाले दिनों में जनजीवन अब सामान्य हो जाए, इसलिए कुछ दिन कड़ाई कर लें, संकल्प करें हम घरों में रहेंगे, शहरों में भी घरों में रहेंगे, गांव में भी घरों में रहेंगे। अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से क्या कहा। दूसरी ओर हम मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में स्थित सुभाष नगर के विश्राम घाट का एक दृश्य आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से कोरोना का तांडव मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है, कोरोना के कारण मध्य प्रदेश में कितनी मौतें हो रही है और जिसमें कोरोना पीड़ित मृत देह को जलाने के लिए लकड़ियों की कमी नजर आ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना का प्रकोप कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से लोग अपने परिजनों के मृत शरीर की अंतिम प्रक्रिया के लिए लाइन लगाकर दाह संस्कार के लिए प्रतीक्षाएं कर रहे हैं और लकड़ियों की कमी के कारण कई मृतदेह संपूर्ण तौर पे जल भी नहीं रहे हैं। कितना प्रकोप और तांडव मचाया है मध्य प्रदेश में कोरोना ने, देखिए वीडियो फुटेज के कितने शरीर जो जले भी नहीं है। लकड़ी नहीं मिली है, ये मुर्दा देखिए। लकड़ी नहीं मिलने के कारण ये स्वास्थ्य नगर का विश्राम घाट है, ये देखिए मुर्दा डला हुआ है। और ये दूसरा देखिए, इसको भी लकड़ी नहीं मिली है, ये अपने आप जल रहा है। ये और देखिए आगे, ये तस्वीर देखिए, लकड़ी ना मिलने के कारण ये देखिए ये मुर्दा, ये मिट्टी नहीं जल पाई। दूसरा और देखिए, तीसरा देखिए, मैं जा रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। देखिए ये, देखिए ये मुर्दा जल नहीं पाया लकड़ी ना मिलने के कारण, दिख रहा है आप लोगों को। और आगे देखिए कितनी चिताएं जल रही हैं, ये आंखों देखा हाल है। स्वास्थ्य नगर विश्राम घाट भोपाल, मित्रों यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग घर पर रहें, ना किसी रिश्तेदारी में, ना बड़े कार्यक्रमों में जाएं, ना कोई कार्यक्रम संपन्न करें। मास्क लगा के रखें, दूरी बना के रखें, इसी में आपकी स्वस्थ रहें आप और आपकी अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाएं। ये देखिए हमारे, ये श्री हमारे महेश विश्वकर्मा जी हैं, देखिए हालत बहुत ख़राब है। देखो तो लकड़ी नहीं मिली उन लोगों को, लकड़ी नहीं मिली है उन लोगों को, वो बारी बारी में रख ली। देखो अपन थोड़ी, ये देखिए तैयारी हो रही है, यहीं पर सुनील भाई भी हैं। मित्रों बस यही हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, आपस में दूरी बनाए रखें, अनावश्यक काम पर घर से ना निकलें। जय हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।